Assalamu alaikum everyone. So this is me Amina, and मैं आपको कोई ऐसी चीज दिखाना चाहती हूँ जो अब तक किसी ने नहीं देखा होगा शायद. और मेरा ताल्लुक ना ही किसी पॉलिटिक्स से है, ना ही किसी के पर्सनल किसी भी चीज़ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है. एक इंसान होने के नाते, एक इंसानियत के नाते मुझे देख के बहुत तकलीफ़ हो रही है. शायद ये बात हम सबको पता है, शायद मीडिया को भी पता है, शायद लोगों को भी पता है, शायद ये बात सबको पता है, पर मेरा दिल बहुत टूटा है. यहाँ आके ईदी होम में इतनी गंदगी है, इतनी स्मेल है यहाँ पे. ये सब तक तो ठीक था, कुत्ते से जानवरों से बदतर यहाँ लोगों की हालत है, कुत्ते से भी बदतर. इवन हमारे यहाँ जब कोई जानवर आता है तो हम उसको खाना देते हैं, साफ़ करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं. अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक केट आई थी और मैंने बहुत ख्याल रखा, तो नाउ शी इज़ वेरी हेल्दी माशाल्लाह. तो इंसान होने के नाते हम जानवरों का भी ख्याल करते हैं, जानवरों के लिए भी हमें तकलीफ़ होती है. और इस जगह में आके मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, आई कॉन्ट टेल यू. मैं यहाँ पे पिक्चर्स खींचने नहीं आई गरीब बच्चों के साथ, मैं आई थी थोड़ा सा वक्त गुजारने, यहाँ देखने सब कुछ के सब कुछ कैसा होता है. मैं एक आम से इंसान हूँ बिल्कुल आप लोगों की तरह, लेकिन मेरा नज़रिया वो नहीं है वो जो इन लोगों का है. ये जो टीवी में दिखाते हैं, ये जो न्यूज़ में बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे इन लोगों के साथ बहुत बुरा ट्रीट करते हैं. अभी मुझे एक छोटे से बच्चे ने बताया है कि एक रूम है जो मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ, इस रूम में कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ माजूर हैं, गंदी स्मेल आ रही है इस रूम से. और इन बच्चों को वो मारते हैं, लोहे से मारते हैं, कंकरियों वाले लोहे से मारते हैं इन लोगों को. मुझे बताएं कि ये खाना जो हम इनको देते हैं, खिलौने देते हैं, ये किस काम के इनके, अगर इनको इतनी तकलीफ़ मिल रही है तो इससे बेहतर है आई थिंक वी शुड किल देम. एटलीस्ट इनका मर जाना इस नाक से बहुत बेहतर है. और ये जो हम सड़कों पे भिखारी देखते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत बेहतर है इन सब लोगों से. वो भिखारी बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं देन देम. बट ये बहुत बहुत पेनफुल है मेरे लिए ये सब देखना. यहाँ पे आते हैं लोग, यू नो, आदम जी फाउंडेशन का, आदम जी लाइफ फाउंडेशन का ये इवेंट है. मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ. एटलीस्ट दे आर कीप ट्राइंग टू डू समथिंग, एटलीस्ट दे आर कीप ट्राइंग टू डू समथिंग. आई डोंट नो व्हाट वाज एम ऑफ ईदीसा, बट द एम इज माय थॉट्स इज, मैं जो चाहती हूँ वो ये दिखाना चाहती हूँ लोगों को अपने नज़रिए से. शायद मेरी वजह से कुछ चीज़ें चेंज हो सके, आई एम नॉट श्योर. मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ इस वक्त, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है. मैं अपनी पूरी लाइफ में मैंने किसी इंसान को इतनी गंदी हालतों में और इतनी गंदी हालत में कभी नहीं देखा जो मैं इस ईदी हाउस में देख रही हूँ. मैं लाहौर में इस वक्त मौजूद हूँ आदम जी फाउंडेशन, आदम जी लाइफ फाउंडेशन के इवेंट में. दे इनवाइटेड मी एज अ गेस्ट, बहुत रिस्पेक्ट के साथ इन्होंने मुझे इन्वाइट किया यहाँ पर. मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहती हूँ वो शायद आप लोगों को समझ ना आए, क्योंकि इस वक्त मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ, मैं स्मेल कर रही हूँ इस जगह को. बहुत गंदी जगह है, बहुत गंदे इंसानों को कुत्ते जानवर की तरह रखा हुआ है यहाँ पे. इवन आई कांट सी देम. ये देखें, ये भूखे प्यासे बैठे हैं. बेटा बात कर सकते हो, बात कर सकते हो, आपको मारते. और मैं अंदर जाना चाहती हूँ और मैं अंदर जाके आपको ये देखें कुंडी लगाई हुई है. मारते हैं आप लोगों को, हाँ बाहर आ जाओ, जाओ वहाँ बैठो. इस स्मेल में बहुत, इस कमरे में इतनी स्मेल है, मैं यहाँ पे एक मिनट भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं गुजार सकती. इतनी स्मेल है इस कमरे में, आप देखें ये इंसान लग रहे हैं आपको. कौन सी बातें करते हैं ये ईदी होम एंड ऑल. प्लीज डोंट सपोर्ट देम. If you want to support, you have to come here and take a stand, make a video, look at their situation, look at their halal. ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा देखें इन लोगों को आके. मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, this is very painful. Very, very painful. I can't.